अमुक स्वामी महाराज जय, महंत स्वामी महाराज जय, अक्षर ए स्वामी महाराज जय, जसुबाई साहेब नी जय जय जय। माँ बहन ज्योति बहन तारा बहन देवी बहन दीदी सर्व प्रत्यक्ष महिला स्वरूपोनी जय जय जय। सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय। दिनकर दादा गुरुजी हृदय भाई जय जय जय। 7 तारीख स्मृति संध्या दिन की जय जय जय। आज 7 तारीख 7 अक्टूबर काका जी की स्मृति में भजन संध्या का दिन, उसके साथ आज 7 अक्टूबर और नवरात्रि का प्रारंभ। नवरात्रि रामचंद्र भगवान वहां से निकले अयोध्या पहुंचे तब तक ये भी उपवास के रूप में बहुत लोग नवरात्रि करते हैं। माता जी का भी गरबा ला के लोग माता जी का व्रत तप जप करते हैं, तो वो भी पवित्र दिन। आज से लास्ट लेग ऑफ मॉनसून चालू है और शरद पूर्णिमा का के बाद दिवाली, देव दिवाली और शाकोत्सव वगैरह भी चालू हो जाएगा। तो ये लास्ट लेग में हम एंटर होते हैं आज की भजन संध्या से। शुरुआत में पूज्य गीतेन भाई और पूज्य मुकेश भाई से प्रार्थना है कि हमें श्लोक और धुन से आज की भजन संध्या का आरंभ करवाएंगे। सजानंद स्वामी महाराज जय, गुरुहरि काका जी महाराज जय, गुरुहरि पप्पा जी महाराज जय, सर्व प्रगट ब्रह्म स्वरूप जय जय। वर्णिवेश रमणी दर्शन मंदहास रुचिरानुजम पूजितम सुरनरो धर्मनंदन महम विचिन्तये वंदे पुरुषोत्तम च परमं धामाक्षरम् वंदे प्रागजिभत जागावतम् वंदे गुरु कृष्णदा वंदे यज्ञ पुरुष दास चरणम् श्री योगी राजम् तथा वंदे श्री प्रत्यक्ष स्वरूपम् गुरु मोक्षाय भक्तिदा जनियम्
अमृत वाणी तो वही रहे, साक्षात महे मारुपे जैने ब्रह्म स्थिति अहो लीन करे, शोभव्या सर्पदे शरणागत निज अल्प जीव सहोना, श्रेयार्थता पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विपुने, हयो तो वंदन करे, हयो तो वंदन करे। सहजानंद स्वामी महाराज स्वामी नारायण, स्वामी स्वामी नारायण, 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 Narayana Swami 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 Narayana दुख कौन हरे, हरि कृष्ण बिना दुख कौन हरे, हरि कृष्ण बिना दुख कौन हरे, घन श्याम बिना सुख कौन करे, घन श्याम बिना दुख कौन हरे, स्वामी नारायण Swami Narayana 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 Swami Narayana 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 Yeah.
मुकेश भाई, यतिन भाई, उर्मिलाबेन, तो उर्मिलाबेन को धन्यवाद है कि आज एक्चुअली नवरात्रि है, बेचारे का सब प्रोग्राम होता है वो छोड़ के हमारे साथ भगवान के लिए कीर्तन के लिए आए। खूब खूब धन्यवाद है। प्रशांत भाई का प्रोग्राम था तो उनके गुरु राजेश भाई जो पहले यहाँ आते थे बट बहुत गैप हो गया तो आज वापिस आए हैं। भावेश भाई भी थोड़ा गैप हो गया तो आज वापिस आ गए हैं। और हमारे दादू जी वो तो आते ही हैं, निकिता बेन ऑल्सो बिल्कुल भजन भी दस। तो सब मंडली को भी खूब खूब धन्यवाद है क्योंकि इतना टाइम है इन्हें, जो सितंबर में ना जितना फास्ट गया उससे अक्टूबर और फास्ट जा रहा है और एक्टिविटी इतनी बढ़ जा रही है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद दी फंक्शंस कमिंग अप। क्योंकि अभी बहुत कम टाइम में ये स्वामीनारायण मार्ग और काकाजी स्वामीनारायण चौक और काकाजी मार्ग का नामकरण बहुत कम समय में होने जा रहा है। दशहरा आ रहा है, दिनकर भाई आ रहे हैं, गुरुजी के वहाँ दिल्ली जाने का है, ये सब उसमें भी धन्यवाद है हमारे सचिन भाई को कि सबको लेके आज का आज प्रोग्राम देते हैं। सबसे पहले आज नवरात्रि है तो रास के रूप में सहजानंद स्वामी को प्रार्थना करते हैं कि हे अलबेला आप हमारे साथ आओ और हमारे साथ भजन संध्या करो। पूज्य उर्मिला बेन मारे
महाराज को प्रकट कर दिया। महाराज को दिवाली आ रही है तो दिवाली का राइट टोन उर्मिला बेन आपने सेट कर दिया। जोरदार तालियां और धन्यवाद उर्मिला बेन के लिए। क्यों? क्योंकि उसने जैसे महाराज को प्रकट किया तो अभी दो तीन दिन पहले व्हाट्सएप आया था महंत स्वामी जी की आज्ञा से ईश्वरचरण स्वामी जी दुनिया में हाइएस्ट नीलकंठ रोहिणी की मूर्ति 49 फुट की न्यूयॉर्क में बसने जा रही है। तो अलबेला जी न्यूयॉर्क में बैठ रहे हैं तो सचमुच वो भाव। और जैसे वहां आ रहे हैं तो दिनकर भाई शिकागो से यहां आ रहे और हमारे साथ दिवाली करने वाले हैं। तो उर्मिला बेन दिवाली में भी दिनकर भाई को एक बढ़िया सॉन्ग की गिफ्ट देनी है। वो आएंगे तो स्पेशल दिवाली और स्पेशल गिफ्ट के रूप में आज अलबेला जी, क्योंकि गुरु जी ने जो प्रोग्राम रखा है उसके निमित्त दिनकर भाई का आना हो रहा है, तो हमें ये बार दिवाली दिनकर भाई भरत भाई सबके साथ करने को मिलेगा। तो एक विशिष्ट, और वो दिनकर भाई आए और खुश हो जाए इसके लिए आज की जो भजन संध्या है उसका टॉपिक साधुता का रखा है। साधुता जेवी ना कोई मोटी पदवी है। भरत भाई ने 10-15 दिन पहले, एक ज्यादा महीना पहले, महान स्वामी का एक सूत्र पकड़ा था और सबको पकड़वाते थे, साधु थाउ साधुता सीखी अने स्वभाव मुकवा। आ जन्मे करो बेटा के 5 जन्मे करो 10 जन्मे करो करवानुं छे, नहीं करो तो आवता जन्मे पाछू। तो एना करता आपणे भगवान ने प्रार्थना करिए एटले माटे आजनी साधुतानो सब्जेक्ट लीधो छे।
આજની સાધુતાનો સબ્જેક્ટ લીધો કે હે મહારાજ, સાધુતા જેવી ના કોઈ મોટી પદવી, સાધુ થવું ને સાધુતા શીખવી. ક્યોંકિ યે શરદ પૂર્ણિમા કો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કા બર્થડે હૈ ઓર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સાધુતા કે એસે સિરમોર. દીદી કા વિદ્યાનગર સે ફોન હૈ, ખાસ દીદી કો ભી યે હમારા જો પ્રોગ્રામ હૈ ઉસકા બતાને કા થા. તો હમારી સબકી ઓર સે દીદી કો ભાવના ભરતભાઈ અર્પણ કર રહે હૈ. તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કા પ્રાગટ્ય દિન ઇસ શરદ પૂર્ણિમા, ઓર શરદ પૂર્ણિમા કે દિન હમારે કિતના ભાગ્ય હૈ કે વહી દિન દિનકરભાઈ કા બર્થડે હૈ, અરુણભાઈ કા બર્થડે હૈ, પ્રવીણભાઈ લાડ કા બર્થડે હૈ, તો સભી સાધુ સ્વરૂપો કા બર્થડે હૈ. તો હમે સાધુતા હોને મેં એક ઓર જોશ મિલ જાય ઇસ ભાવના સે હમ હિતેનભાઈ કો પ્રાર્થના કરેંગે કે આજ સ્વામી ગુણાતીતાનંદ રે તો ભજન ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કા ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કો પ્રાર્થના કરકે વો ભજન કરતે હૈ કે હે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, આજ આપ પ્રટે, આપ મુજે મિલે, સાક્ષાત મૂળ અક્ષર મોક્ષ કા દ્વાર, જો પ્રથમ કા 54 વચનામૃત અભી સમજાયા, ऐसे मोक्ष का द्वार के साधु है. प्रसंग मजरम पासत, मतलब बहुत सालों करोड़ों जन्म से पास पड़ गए, वो पास ये साधु निकाल देगा. ऐसे साधु का प्रागट्य दिन आता है. तो हम प्रार्थना करते हैं स्वामी गुणातीतन मा आज मुने मड़ी आ रे प्रभु प्रगट प्रमाण, ऐसा भजन हितेन भाई को प्रार्थना है गाए.
मोक्ष नाम हमर सारिया रे, आज मोक्ष नाम हमर सारिया रे, इनो करुणा नाशिया करुवका शिया करुवका संत मिले ना, संत मोक्ष का द्वार है, लेकिन जहां मोक्ष का द्वार मिलता है हम उसको ही धक्का देके बाहर निकालते हैं, कभी तू कौन। तो करोड़ों धन्यवाद हो गुणात्यान स्वामी को, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज को, कि हमें काका जी की पहचान करा के काका जी ने हमें ऐसे दिनकर भाई, गुरु जी, भरत भाई, बापू, ऐसे संतों भेंट दिए। आज प्रेम स्वामी, दास स्वामी, अश्विन दादा, शांति दादा, हम लोग, इन्होंने जो लिखा ना
हमारे भाग खुल गए, हमें जय जयकार थे, सच्चा जय जयकार ये है, सच्चा जय जयकार ये है। और वो कैसे साधु है दिनकर भाई, जिसका हम बर्थडे मनाएंगे, भरत भाई की, सिलवंत साधु ने वारे वारे ना, सिलवंत साधु जिसका वर्तमान मजे टेक व्रत पालन बदलता नहीं है, और जिसकी चित्त की वृत्ति निर्मल, तन तंदुरुस्त, मन अमन, बुद्धि निर्दोष, चित्त निर्मल और जीव ब्रह्म स्वरूप, ऐसी ब्राह्मी से जिसकी चित्त की वृत्ति निर्मल हो गई है और जिसका महाराज जमान है। गुरुनाथ ध्यान स्वामी को लिखा कि जो जूनागढ़ में आगे करेगा उसका मैं जमान हूं। भगवान जिसका जमान है, मेहरबान है। जैनों का पहला श्लोक है, पहला मंत्र है, ओम नमो अरिहंता, अरिमिन शत्रु, जिन्हें शत्रु को जीता है, ऐसे संतों को शत्रु और मित्र दोनों किसी और में नहीं है। जिसको प्रीति है परमार्थ में, सबका परमार्थ में जिसकी प्रीति है, मन वाणी कर्म से कभी फेल नहीं होते हैं, ऐसा साधु को प्रणाम है। आठे पोर मस्त रहते हैं और उसके तुरिया का तार जग गया। तुरिया अवस्था में गुणाध्यान स्वामी के बाद में पर्वत भाई को तुरिया अवस्था थी, इट्स अ टाइप ऑफ अ समाधि, ब्लिस कॉन्शियस, तुरिया अवस्था में रहता है। ऐसे संत का तुरिया का तार जागृत हो गया है, नाम रूप को मिथ्या करके सदा भजन में रहते हैं, ऐसे साधु के संग में रहे वो, जैसे बहरी छोकरा का संग है, घरवाले का संग है, ऐसा संग ये साधु का होगा, मोक्ष का द्वार अपावृतम, पावृत मीन्स बंद, अपावृतम मीन्स खुलता है, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। उर्मिला बेन को प्रार्थना है कि ऐसे संत वाला भजन सिलेबस का साधु सबको सुने। Done.
I'm not
कोठारी स्वामी, प्रेम स्वामी, अश्विन दादा, शांति दादा, भरत भाई, दिनकर भाई, गुरु जी, बापू, सब ऐसे ऐसे साधु हमारे पास काका जी ने दिए हैं, वो काका जी को कितना धन्यवाद करे उतना कम है। इसमें लास्ट आया, संगत एवानी जो तुम्हें कर सो। हम संगत तो करते हैं, लेकिन हम संगत कैसी करती है? यू डू वॉट आई से। मैं आपको SMS करता हूं और तू वो करो, वो संगत बेटा, वो संगत नहीं है। वो बोलता है और तुम करो, वो संगत है। और ऐसी संगत करोगे, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। लास्ट सेंटेंस आया ना, हरि का द्वार खुल जाएगा। तो ऐसे काका जी जिन्होंने ऐसे बनाए, दीदी देवी बहन, ज्योति बहन, काका जी और पप्पा जी ने ये जो काम किया है वो कितना बड़ा काम किया है। ऐसे संत बनाते हैं। वैसे काका जी और पप्पा जी का एक अद्भुत भजन जो हेमंत भाई ने लिखा है, हे जीवन हे प्राण, अद्भुत है। हमारे हेमंत भाई की कलम। प्रार्थना करते हैं, हे काका जी आज आपका स्मृति दिन है तो हमको स्मृति का वरदान देना। हम किस भी स्मृति करते हैं कि आज खाने में क्या मिलेगा, पिज्जा मिलेगा कि पास्ता मिलेगा, किसका स्मृति रहता है हमको। यहाँ सतपुरुष की स्मृति, काका जी की स्मृति, ऐसे पापा जी को प्रार्थना करते हैं, काका जी को प्रार्थना करते हैं, हमारे मुकेश भाई अमरचंद को बोलते हैं कि हे जीवन हे प्राण, आप सबको सुनाइए।
अमृत छे मूर्ति अंतर से लिंक गई है। एक मिनट प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जल्दी जल्दी लिंक आ जाए, लोगों को इंटरेस्ट आ जाता है तभी लिंक का जय स्वामीनारायण होता है। सुनारायण 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 भेज दिया। चलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय। बात का दौर आगे बढ़ाते हुए अभी जैसे बोला कि दिनकर भाई आते हैं और उनका प्रागट्य दिन हम मनाने वाले हैं। दिनकर भाई भी ऐसे साधुता की मूर्ति है और जब भी उनका बर्थडे कराया तभी बच्चे लोग ने ये भजन लिखा था, साधुता जेवी ना कोई मूर्ति पदवी। हमारे गुणादित्य तिरके के सभी पटकों को ये भजन बहुत अच्छा लगा था कि सचमुच ऐसी साधुता जीवन का लक्ष्य है, जीवन का फाइनल डेस्टिनेशन है। मान और अपमान में एकता, सुख दुख में समता, सदा भगवान के साथ मस्त रहे ऐसा साधु, कुछ इच्छा नहीं रखता है, सबको सर्वस्व दे देता है, आसक्ति केवल एक प्रभु की रखता है,
ऐसे भाव वाला भजन मुझे ही दिन वैसे प्रार्थना है कि साधुता जेवी ना कोई पदवी। साधुता जेवी ना कोई पदवी मोटी, साधुता जेवी ना कोई पदवी मोटी, मन अपमाने सम सुखे दुखे ना विषम, मन अपमाने सम सुखे दुखे ना विषम, सदा शरण रहे साधु ओ, सदा शरण रहे साधु, साधु का जेवी ना कोई पदवी मोटी, साधु का जेवी ना कोई पदवी मोटी। ईचे न ताईये अने सर्वस्व दे, आसतीचे एक प्रभुने कोई ने न पार काके होता न माने, सूर्य समान रहे साधु साधु का देवी ना कोई पदवी मोटी, साधु का देवी ना कोई पदवी मोटी। निर्गम मम गरि गम धरि तप गम धरि तरि तप गम धरि तप गम मम गरि गम धरि तप गम धरि तप जगत विषय से मुक्त आत्मनिष्ठाय युक्त, जगत विषय से मुक्त आत्मनिष्ठाय युक्त, निर्लेपति साधुनी गुण निधि दोए गुण गाही दृष्टि, अंतर्वृति थी जीवे साधु साधु का देवी ना कोई पदवी मोटी, साधु का देवी ना कोई पदवी मोटी। प्रेमी अचल निर्दोष बुद्धि पूर्ण चूरद प्रेमी अचल निर्दोष बुद्धि, आत्म निप्रीत छे साधु ने दोष अवगणे बदा, संबंध जुए सदा निरंतर स्नेह करे साधु साधु का देवी ना कोई पदवी, साधु का देवी ना कोई पदवी मोटी। निर्गम मम गरि गम धरि तप गम धरि तरि तप गम धरि 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 तप रीत हितकारी वातो तिमीन हारी, रीत हितकारी वातो तिमीन हारी, पथ दर्शक छे साधु
महिमा प्रभु नो वहे अक्षर रूपे रहे दासानु दास बने साधु साधु जाते भी ना कोई पदवी होती साधु जाते भी ना कोई पदवी होती साधु जाते भी ना कोई पदवी मोती। हे महाराज, हे काका जी, आज के स्मृति सिंधिया दिन के ऊपर प्रार्थना करते हैं ऐसे गुणातीत भावना वाले साधु हमें बनाना। आज सुबह में भरत भाई महापूजा के बाद जो पढ़ते हैं उसमें 7 तारीख के वजह से काका जी का प्रसंग पढ़ते हैं, तो उसमें अनुपम भाई और कांति भाई देसाई का प्रसंग आया। काका जी ने अपने अंतर्यामीपणा का, अपने साधुता का, अनुपम भाई बीमार हुए तो नए नए आए थे तो उसको लगा हमको देखने कौन आएगा। काका जी हॉस्पिटल में पहुंच गए ऑपरेशन के पहले और 20 मिनट वहां खड़े रहे। कांति भाई देसाई को लगा कि मुझे डोंगरे साहब की बदनामी करानी थी, डोंगरे महाराज की, मैं नहीं करा सका। कथा में पहला ही वाक्य योगी बापा आया कि देह से देह का मिलन वो मिलन नहीं है, मन से मन का वो मिलन है। तो ऐसी व्याशक्ति काका जी की जो व्यापक काम करती है अद्भुत है। आज की बात करता हूँ, 2 दिन पहले ये बात हुआ स्वामीनारायण चौक का, तो मैंने सहज प्रवीण भाई लाड को बोला कि आपकी टिकट 17 तारीख की है, 18 को जाने का है दिल्ली, तो आप 14 को आ जाओ तो ये प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो। तो बेचारा साधु है, हाँ बोला। और मैंने फिर अंकुर को फ़ोन किया, मिला अंकुर देखना ये तो एक टिकट आजकल तो क्या है प्लेन में नॉन रिफंडेबल टिकट कि तुमने एक बार बुक किया तो गया। तो आप मानोगे नहीं, आज अंकुर का व्हाट्सअप आया भरत भाई कि वो टिकट जो कैंसिल कराने गया ना तो वो दिन रश हो गया, उसको 14 तारीख का टिकट मिला प्लस 79 यूरो रिफंड मिला। नॉर्मली दे टेक मनी, पर वो दिन रश बढ़ गया होगा, क्या मालूम क्या हुआ होगा। पर आज की बात करता हूं कि काका जी कितने प्रकट है। आप सच्चे दिल से दूसरी बदी जमाट करते हो, दूसरी धमाल करते हो, उसके बिना प्रार्थना करो हे काका जी तेरे को जो चाहेगा वो मिलेगा। पर तू किसको गाली देता रहता है, किसको वो नेगेटिव में जाता है, उसके बजाय प्रार्थना करो, भगवान का बल लो, भगवान डबल देगा, तबल देगा, चौबल देगा, तुम गिनते थक जाओगे। ये काका जी का लाइव एग्जांपल है, लाइव वस्तु है। ऐसे काका जी को जिसने हास किया, दिनकर भाई वापिस आ रहे हैं, उनका ही साधुता का एक और भजन है, जोया तमने ने थई काका जी ने केवी हास। उनको देख के काका जी को हास हो गई। पप्पा जी और स्वामी जी का प्यारा दिल, मुक्तों का सूरत, सब साधकों के प्राण, ऐसे दिनकर भाई। तो आज हमारे निकिता बेन आए हैं, निकिता बेन भी बेचारे छुपी छुपी बहुत सेवा करती है, अभी हो सबका वो आजकल वो मिलता नहीं है वैक्सीनेशन, तो कहाँ से वैक्सीनेशन में लाइन लगा के घुसा देती है। तो उनको प्रार्थना है जो या दिन कर दो थे हमारे मन भजन सुनाए।
साधन में हमारे बेचारे विकास भाई, मनन भाई, विशाल सब लोग, अभी हमारी ऑफिस भी नहीं हो रही है तो इधर सामान उधर ये, इस भाव में भी उन लोग कोई भी कंप्लेन किए बिना सब इतनी अच्छी तरह से सेट कर देते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ तो रोज प्रोग्राम होते हैं, तो उनको भी खूब खूब धन्यवाद, उनके लिए भी जोरदार तालियां। जब से काका जी और पप्पा जी ने बहनों भगवान भजे तो सुख खोटू छे महाराज जोग आपसे योगी बापा का वाक्य लेके चालू किया, तो बहनों के लिए तो अनुपम अम आधार सौ मुक्तो मातारो दिवास, बहनों के लिए भगवान भजने की जो परिस्थिति माहौल संजोग देशकाल जिसको बोलते हैं, पद्मावृत आने वाला है शनिवार को देशकाल, वो इतने नहीं थे, बट योगी जी महाराज ने ऐसा किया, काका जी पप्पा जी ने इतनी मेहनत करी, और करोड़ों धन्यवाद ज्योति बहन, दारा बहन, दीदी देवी बहन और ये सब बहनों को कि एक अद्भुत कार्य पृथ्वी पे साकार हुआ। उन लोग सब बहनों बंसी बन के भगवान का सुर रिला रहे हैं, बंसी बन के जी रहे हैं और उनका सुर बन के उनका सुर बहा रहे हैं। ऐसा कृपा प्रभु करे, ऐसी प्रार्थना लेके हमारे बहनों लोग को प्रार्थना है कि वो अनुपम अमादा वो भजन सबको सुनाए।
तो हमको भजन सिलेक्शन में भी नितिन भाई के साथ खूब मदद करते हैं, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा वर्क है, अलग अलग जगह से भजन ढूंढना। तो खूब खूब धन्यवाद सबको। आज सुबह में माँ पूजा में भी मैं बोल रहा था भरत भाई को भी कि अभी का जो विश्व की समस्या है, एक आफ्टर कोरोना पूरी दुनिया एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम से लड़ रही है। आप देखो तो यू नो जो इकोनॉमी वापस खड़ा करना, आज कुछ सुबह भाईलाल भाई आए थे, मुझे बता रहे कि बस भाई कुछ और कुछ काम धंधा ही नहीं है, दुकान चलती नहीं है, होल चेंज हो गया है। क्या उसमें ऐड करो ऐसा तो जो दुनिया का वातावरण, अमेरिका का चाइना से झगड़ा, मिडल ईस्ट का इसके झगड़ा, रशिया का अमेरिका के साथ झगड़ा, ये प्रॉब्लमेटिक हो गया है, तालिबान। तो इसमें देखो काका जी ने एक शब्द लिखा था, सर्वधर्म का मूल एकता है, एकता। लेट्स बी यूनाइटेड, लेट्स बी वन, सिंगल सोल डेलिंग इन ऑल हार्ट, सिंगल सोल ड्वेलिंग रहता है सब हार्ट में, ऐसी भगवत भावना काका जी ने रखी थी। और जब ये अक्षर व्यायी स्वामी दिल्ली गए सब मंडल को लेके और सब वहाँ बनाया प्रोग्राम, तभी गुरुजी ने और अक्षर व्यायी स्वामी ने मिलके हेमंत भाई को एक अच्छा भजन एकता का बनाने के लिए बोला। बहुत मायने रखता है ये चीज, बिकॉज बड़े पुरुष को मालूम होता है कि आगे क्या होने वाला है। टू रिमेन वन इज अ ह्यूज चैलेंज, जो आज भी हम सब देख रहे थे, कंपनी हो, इंस्टीट्यूशन हो, समाज हो, घर हो। तो अक्षर है स्वामी को, गुरु जी को मालूम था, उन्होंने भजन बनवाया हेमंत भाई के पास, हम एक है, हमको एक ही है रहना, सच्चा मर्म है समझना, हमको एक ही है रहना। तो अद्भुत हेमंत भाई ने वो भजन बनाया, हितेन भाई ने उसका राग दिया कि हम एक है, हमें एक ही है रहना। तो आज का जो संदेश है द वर्ल्ड को, मैसेज है, काका जी का जो प्रेयर है वो इस भजन में है, हिंदी में ही है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हम सुन के ऐसी प्रार्थना करें। तो हितेन भाई से प्रार्थना है कि हमें ये श्री जी की महिमा की एहसान है, तू हम एक है, हमको एक ही है रहना, ये भजन सुनाए। श्री जी की महिमा की शान है तू, योगी के दिल की मुस्कान है तू, काका की दिव्य पहचान है तू, पापा के मन की जुबान है तू, साधु में साही जनाब है तू, एक महका महका गुलाब है तू, संतों में कैसा इजाज है तू, भक्तों के दिल की नमाज है तेरे मन में, योगी का सही राज चलता, काका और पापा से दुआ मांगता, तेरे दिल में धड़कन में रहती है यही तमन्ना, हम एक हैं हमको एक ही है रहना, सच्चा पर्व है समझना, हमको एक ही है रहना, हम एक हैं हमको एक ही है रहना।
तेरे पास है जो मजा अलग ही अंदाज है ओ हो दी रहे साज ना लगता नहीं बोझ है दिव्य भाव से ही मीठे अपने पल से यूं ही जीते लगता है पाया वही रब है वही सब है पहले थे और अब है वही मुझ में वही सब में वही राज है समझना हम एक है हमको एक ही है रहना सच्चा मर्म है समझना हमको एक ही है रहना हम एक सही राज जानता काका और पप्पा से दुआ मांगता तेरे दिल में धड़कन में रहती है यही तमन्ना हम एक है हम दो एक ही है रहना सच्चा मर्म है समझना हमको एक ही है रहना हम एक है धन्यवाद धन्यवाद म्यूजिक मंडली को और हितेन भाई को और दोनों साथ पुराने वाले उर्मिला बहन और निकिता बहन को बहुत मुश्किल भजन था इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंग ऑनलाइन बिकॉज जब भी म्यूजिक सिंग करते हैं अब इधर है ना प्रसन्ना उसको मालूम है कि उन लोग तो 5-6 रिटेक करते हैं इधर तो कंटिन्यूस गाना पड़ता है सामने पब्लिक है तो इसमें सचमुच जोरदार तालियां से उनका धन्यवाद अदा करते हैं हमारी भावना तो यही रहती है कि हर एक भजन संध्या हर एक समय या हर एक सभा एक काका जी को ऐसा तर्पण हो कि काका जी खुश हो जाए कि बस राजी हो जाए यही भावना से हम इनको कहते हैं जयूबेन भजन सिलेक्ट करते हैं और काका जी को प्रार्थना करते हैं कि जब मैं जब जब बरसी रे तेरी रहमत तरसी रे अभी भी देखो ये जो यहाँ मितेश भाई बैठे हैं तो इतना बड़ा काम है 6 महीने से एक बार जो बरसात कोरोना के लिए क्या बोलते हैं लॉकडाउन आदमी लोग का मिलना नहीं मिलना बहुत
कमाल ले लो, पर उसमें काम होता है वो रियली काका जी का कमाल है। उसमें भी ये जो स्वामीनारायण मार्ग, स्वामीनारायण चौक और काका जी मार्ग, वो काम होना वो रियली काका जी की रहमत बरसी है। उसमें हमारे आकाश भाई है, इधर के जो नगर सेवक है शी से लेडी, और माननीय श्री श्रीनिवास त्रिपाठी जी, बहुत उन्होंने खाली हमारे कहने पर, कोई उनको इतना मालूम नहीं है न काका जी का न स्वामीनारायण का, बट वो बहन को ये माधुरी बहन और मीना बहन से प्रीति और यहाँ आती है तो इतना दिल से उसके, तुम घर पे जाओ, एक एक नगर सेवक तो आज कल 5-10 करोड़ का आशा में होता है, वो बेचारे उधर झोपड़े में रहती है। बोलो, मैं तो उसके घर पे गणपति पे गया था अभी, बड़े दिल से, बाला इस वक्त मुझे बोलता हूँ इफ यू वॉन्ट आई कैन टेक यू, बट इतने दिल से, यू नो अंडर टूडे सर्कमटेंसेज हाउ टू वर्क इन गवर्नमेंट मशीनरी। तो सचमुच ये काका जी की रहमत बरसी है, तो जोरदार तालियों से काका जी को थैंक यू कहते हैं और उर्मिला बहन को प्रार्थना करते हैं कि काका जी की रहमत को बरसाओ, मैं जब जब बरसी रहे, मैं जब जब तरसी रहे, तेरी रहमत बरसी रहे। बापू का प्यारा भजन है, और जब भी नीलम बहन आते थे तो नीलम बहन के पास बापू ये बहुत भजन 2-3 बार करवाते थे। जब जब तरसी रे तेरी रहमत बरसी रे, जब जब तरसी रे तेरी रहमत बरसी रे, यूं ही बरसाती रहना तेरे भक्तों का है कहना, यूं ही बरसाती रहना तेरे भक्तों का है कहना। मैं जब जब तरसी रे
माता जी आपकी रहमत ऐसी बरसती रहे, हमारे सद्गुरुओं हमारे अक्षर पुरुषोत्तम के स्वरूपों काका जी महाराज पप्पा जी महाराज प्रसाद स्वामी जी अक्षय स्वामी जी महंत स्वामी जी प्रमुख स्वामी जी साहेब दादा दिनकर दादा भरत भाई गुरु जी प्रेम स्वामी जी ऐसी रहमत बरसाते ही रहे और आज 7 तारीख काका जी की स्मृति में हम सब सम्मुख गान प्रार्थना सब मिल के काका जी को प्रार्थना करेंगे इस नेहल सिंधु तो सब कोरस में सब साथ में गाएंगे इस नेहल सिंधु स्नेहल सिंधु दयाड़ो प्रभो गुरु हरि साक्षात् गुणातीत विभो परिमल पुष्प सर की प्रसर दिव्यता अंबर से तदपि विरल साधुता करो जागृत मानस पुत्र जोगी अर्प्यो नूर निज अंतर कोही नूर ने प्रसादी जोगी जी गरनी सुपात्र डले पंक्ति काव्य संगीत रम गुंजी रहे भले हो धन्यवाद स्वामी श्री जी ने के प्रगटाव्यो दिवे दिवो अवनी है काका
दया सागर करुणा श्रोत्र पामी ने बन्या पुल गीत हैया धन्य जीवन ने समरांगण मरुभूमि अनेको रक्त बिंदु दे बन्याला पर तमे कई मार्ग बोलिया ना संबंधो एक तारा सला सो रया करियो कार्य में नहीं सर्वते करियो संबंध स्थापित कावि स्मित जाड़व्यो जित्या हैया केवल निरपेक्ष वात्सल्ये साक्षी सौने रस बस करी बन्याए दिव्य तंतो जीवन बलिवे दी काकाए गुड़ सकल ना भव्य कड़वैया वही रैयाकलित मंगल कृपा दारा शक्ति प्रेरणा ने सर्व कई दे दे तारा स्वप्न श्रुति पात्र बनी रही है चरण रज मीन धवानी खो दिया कि उन लोग भूल गए कि कुछ अनाउंस हो रहा है।
तो थैंक यू योगेश भाई, हमारे भावेश भाई बाल कटवाने से अच्छे लगते हो और आज तबला में भी अद्भुत तुमने साथ दिया। सचिन भाई, दादू जी, तुम्हारा नाम है दादू, उर्मिला जी, निकिता जी और हितेंद्र, सबको खूब खूब धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, वी हैड अ वंडरफुल भजन संध्या। जय स्वामी नारायण। एक दूसरा अनाउंसमेंट था रेफी औरंगाबाद, जहाँ हमारे सर, क्या नाम, नरेश भाई, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो नरेश भाई मुड़े चलाते हैं, उसमें एक स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्सेज चलाते हैं, उसमें बेसिक इंग्लिश का 30 दिन का, स्पोकन इंग्लिश का 120 दिन का कोर्स भी है, उसमें फ्री भी उपलब्ध किया गया है। तो इन फ्री कोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आज एक रेफरल पार्टनर प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। मैं संदीप भाई को प्रार्थना करूँगा कि वो कंप्यूटर लेके आवे और भरत भाई से वो रेफरल प्रोग्राम का लॉन्चिंग करवाए। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की। रेफरल प्रोग्राम अच्छा चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश सबका लाभ ले सके, वही प्रार्थना है। महाराज की जय, जय जय जय, राज के आनंद की जय, रेफी क्लास की जय जय जय। आया उधर आ गया, भरत भाई के चरणों में प्रार्थना करते हैं आज के 7 तारीख की स्मृति संध्या के आशीर्वाद दे। बेटा व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिकं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैवेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा जेनिअमृतवाणितो वैरयी साक्षात्मयी मारुपे जेनि ब्राह्मीस्थिति अहोलिनकरे सुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थे तत्पर रहे काका स्नेह अल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पद मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोलो सहजान स्वामी महाराज निज, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज निज, प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो सभी गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आज के आनंद की जय, सदगुरु देव की। सुबह में दिनकर भाई जब भी बात कर रहे थे तो पूछ रहे थे कि आज की भजन संध्या कौन से टॉपिक पे है। मुझे टॉपिक ज़्यादा पता नहीं था तो मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं, मगर दिनकर भाई का प्रागट्य दिन और साधुता के टॉपिक के ऊपर बहुत बढ़िया भजन संध्या हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिले और उसमें डूबने को मिला। स्वामीनारायण भगवान ने पृथ्वी पे प्रकट होके गुणातीतान स्वामी को साथ में लाए और गुणातीत भावना हमारे हृदय में प्रकट होए, इसके लिए हमेशा 3 बात बताते थे, समता, साधुता और सुरत भाव। ये गुण हमें डेवलप करने और ये गुण लाने के लिए बड़े संत में अखंड सद्भाव रखना वो बहुत जरूरी है।
तो समत्व भाव, दिनकर भाई को देखेंगे तो समत्व भाव के स्वरूप है। हाण होए, वृद्धि होए, जय होए, पराजय होए, दुख आए, सुख आए, मगर उनका जो स्थिरता है वो कभी डगेगी नहीं। हमारा कल का सैटरडे, आज परसों सैटरडे में वचनामृत भी है, उसमें भी वही बात बहुत अच्छी तरह से बताई गई है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये समत्व भाव लाना ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। समत्व भाव में जीवन जीना है। काका जी का जीवन देखे तो हमेशा वो समत्व भाव में रहते थे। उनके पास दो आदमी बैठे हो गए तो भी उनका कार्य, उनकी बात ऐसी होगी, और 2000 आदमी बैठे हो गए तो भी वही भाव से वो बात करेंगे। ऐसे हमारे वो चेन्नई के बसी भाई के फ्रेंड हैं दिनेश भाई, वो हमेशा याद करते कि काका जी यहाँ आए थे गांधीनगर और गांधीधाम, गांधीधाम आए थे, उधर सभा रखी थी और गांधीधाम में इतने सारे भक्त तो नहीं थे, मगर उनको इतना उमंग के काका जी जैसे पुरुष आते हैं तो हॉल में सभा रखनी चाहिए, तो हॉल में सभा रखी। वसी भाई, रमेश भाई, बापू, ऐसे थोड़े लोग गए थे और हॉल में सभा रखी। तो उसने सोचा कि बड़ा आयोजन किया, सब किया, बहुत लोगों को आमंत्रण भी दिया, मगर ऐसे सभा में कौन आएगा? अगर अमिताभ बच्चन कोई आता होएगा, कौन बनेगा करोड़पति, तो देखने को आएंगे, मगर काका जी की सभा है तो सबको कोई आए नहीं सभा में। और करीब करीब 10 से 12 लोग थे वो बड़ा हॉल, और काका जी को हार पहनाने के लिए भी हार सुखड़ का लेके आया था वो भी काका जी ने कुछ ऐसा उसका मायना नहीं रखा, बोलते कोई बात नहीं। और बाद में काका जी को लेक्चर देने के लिए बोला, काका जी ने जैसे 10000 लोग की सभा है ऐसा प्रवचन दिया। तो ये जो भाव है, ये जो समत्व भावना है वो अद्भुत है। काका जी को कोई वाह वाह करे कि कोई अपमान करे तो भी उसके प्रति सरीखा भाव था। आनंद मंदिर का प्रसंग हम हमेशा सुनते हैं कि एक आदमी ने बहुत काका जी को डांटा, इतना डांटा, आधा पौना घंटा तक उसको काका जी को बात करते रहे, आप जो कर रहे ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। साथ में VS सनत भाई थे, उसका तो लोही एकदम गरम, तो काका जी को डांटते देख के वो तो रह नहीं पाते हैं, मगर काका जी ने उसको शांत किया, भाई अभी शांत रहो, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल। और बाद में काका जी वो गए मंदिर में दर्शन करने गए और वो भी घर गए। काका जी ने फिर साथ में जो सेवक था उसको बोला, सनत भाई को, कि ये भाई अभी मेरे को इतना डांट के गया है, मगर ये अपने को 2 दिन के बाद दूधपाकपुरी की रसोई देने वाले हैं, श्रीखंडपुरी की रसोई देने वाले हैं, और हम सबको बुलाने वाले हैं घर में खाना खाने के लिए। ऐसा कुछ हो सकता है? हो ही नहीं सकता है कि इतना डांट के गया वो आदमी कैसे देगा। मगर काका जी की एक ऐसी समत्व भावना थी। दूसरा है साधुता, जो अभी साधुता की बात हुई। साधुता मुक्तान स्वामी को, मुक्तान स्वामी जैसे साधु बनना पड़ता है। महाराज बोलते हैं कि मैं किसी को ऐसा साधु नहीं बना सकता, ये मेरी क्या बोलते हैं वीकनेस है, असामर्थी है। मुक्तान जी से, स्वामी से इसे साधु आपको बनना पड़ेगा। और ऐसे साधु, ऐसी पदवी, साधुता के जैसी और कोई पदवी नहीं है। कितना बड़ा बड़ा ऑफिसर हो जाए, राजा महाराजा हो जाए, मगर साधु के पास झुकना पड़ता है, साधु को मानना पड़ता है। और ऐसे हमारे इतिहास में बहुत सारे प्रसंग है। पोरस वो लड़ाई जीत के आया तो साधु मिला, साधु बोले कि मैं वो साधु बैठा था तो पोरस ने बुलाया कि आ जाओ,
मेरे को नहीं आना है। आखिर में वो राजा उसके पास गया और उनको नमन किया। तो कहना ये है कि साधु के पास जो पावर है वो अलग पावर है, और ऐसी साधुता हमें दृढ़ करनी है। और ऐसी साधुता गुणातीतान स्वामी के ऐसे बहुत सारे प्रसंग है, ऐसे ही दिनकर भाई के भी बहुत प्रसंग है साधुता का। साधुता ऐसा होता है कि उसको कुछ भी हो जाए मगर उनका अंतर में जो दिव्य भाव है, जो महात्मा है, तुम्हारा भला करने की जो भावना है वो कभी कम नहीं होती, वो साधुता है। किसी का बदला न ले वो साधु। हमको तो किसी ने एक गाली दी होगी तो हम उसको दो गाली न सुनाए तब तक हमारा मन में शांति नहीं होती। हाँ, पेट में चूक आता है, अरे इसने मेरे को ये बोला है, मेरे को उसको दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो ये साधुता है। किसी का बदला न ले वो साधु, शांत रहे, प्रभु में ही रहे, वो साधु है। गुणातीतान स्वामी को मार मारा, पूरा मंडल को बाहर निकाल दिया, तो भी बोलते हैं कि ये दरबार ने घर लड़का नहीं है तो उसको लड़का हो, श्राप देते हैं, ऐसा बोल के बोला। तो श्राप नहीं दिया, वरदान दिया उसको। तो ऐसे जो साधु है वो अद्भुत है, और ऐसी साधुता हमें दृढ़ करनी। गुणातीतान स्वामी हमेशा यही बात करते थे, हमें साधु बनना है। जो वसी भाई ने भी बोला, मोहन स्वामी योगी जी महाराज ने 15 युवक लोग साधु बनने वाले थे, तो 15 युवक को एक एक युवक को बोला के बोला, बोलो हाथ में जल लो, बोलो साधु बनना है, साधुता सीखनी है और स्वभाव मुकना है, स्वभाव छोड़ना है। ये बहुत हमेरा जो अंदर में स्वभाव है, हमेरा जो मताग्रह है, हमेरा अठाग्रह है, हमेरा जो ये जीव भाव है वो निकालेगा तो साधु बन सके। और साधु बनेंगे तो तुम्हारा जो पदवी है वो बढ़ जाएगी। को लगे साधु बनने में क्या पदवी है, मगर काका जी को ऐसी साधुता से जीवन जिए देखा, योगी जी महाराज को देखा, ऐसे गुणातीत संतों को हमेशा देखते हैं। हरिप्रसाद स्वामी जी, साहेब जी, पप्पा जी, काका जी, सब शास्त्री महाराज, योगी जी महाराज कैसी साधुता से जीवन जिए, और वो साधुता हमारे जीवन में दृढ़ होए इसकी आज प्रार्थना करें। और तीसरी बात है सूरत भाव। बहुत अच्छी तरह से अच्छा भजन, हम सब एक है, हम सब एक है, वो अच्छा भजन गाया, और वो सूरत भाव हमारे अंदर में दृढ़ हो जाए। हम सब बोलने में बहुत अच्छे है, हम सब एक है, एक है, एक है। तो हमने जब भी दिव्य एकता महोत्सव मनाया था तो बोलते हम सब एक है दिव्य एकता, मगर अकाउंट अलग। तो ये सब बात मायने रखने वाली है, सब उससे ही सब प्रॉब्लम है, मगर ये सब हम एक है वो भाव मेरे हृदय में होना चाहिए कि मैं हम सब एक है। और इसी एकत्व भावना, इसी सूरत भावना, ऐसा महात्मा एक दूसरे का, वो सूरत भाव है। ये टाइम दिनकर भाई का प्रागट्य दिन मनाया 3rd डे को, तभी अमित भाई ने ये लेक्चर दिया था, और अमित भाई ने बहुत अच्छा बताया था। उसने बोला स्वामी जी यहाँ पधारे थे और स्वामी जी दिनकर भाई वगैरह सब बैठे थे, और स्वामी जी पूछ रहे थे कि सबसे अच्छा श्लोक गीता का कौन सा, श्रीमद् भगवद गीता में सबसे अच्छा श्लोक कौन सा। तो दिनकर भाई ने स्वामी जी का जो स्टाइल उसकी वजह से बोला कि करिष्ये वचनम तव, वो अच्छा। तो स्वामी जी बोले नहीं वो नहीं। फिर वो दिन तो चला गया, फिर दूसरा कुछ ढूंढा, बाद में स्वामी जी ने दूसरे दिन बोला सबसे बढ़िया श्लोक ये है सुरदम सर्वभूतानाम। और जब भी दिनकर भाई का वो उत्सव मनाना था, महोत्सव मनाना था, दिनकर भाई का 80वां प्रागट्य दिन कैसा कुछ था, 80वां नहीं 70 के 77
70 का प्रागट, हाँ, तो तभी गुरु अपने स्वामी जी के पास बोलते हैं, स्वामी जी को पूछेंगे कि क्या नाम देने का, तो स्वामी जी ने जरा भी सोचे बिना, दिनकर भाई का ये उत्सव है तो तुरंत नाम दिया सुरद महोत्सव। अभी भक्ति महोत्सव होता है, पराभक्ति महोत्सव होता है, ऐसा दासत्व महोत्सव होता है, मगर ये सुरदम महोत्सव एकदम वो नया नाम था बिल्कुल, और ये सुरदम महोत्सव करके नाम दिया। क्योंकि बाद में दिनकर भाई ने समझाया, अमित भाई बोलते मैंने पूछा सुरदम मीन्स क्या, सुरदम सर्वभूतानाम, तो छोटे से लेके छोटा जीव प्राणी मात्र सुरदम सर्वभूतानाम, सबका सूरद है, मेरे को मेरा होए उसका सूरद ऐसा नहीं, सबके सूरद है। और दिनकर भाई ऐसे सभी भक्तों के सूरद है, जीव प्राणी मात्र के सूरद है, और ऐसा जीवन दिनकर भाई जीते, इसलिए वो सूरदम महोत्सव। काका जी भी ऐसा सूरदम सबके सूरद थे, ऐसे जो गुणातीत संत पुरुष होते वो सबके सूरद है, और ऐसे हम सूरद भाव से जीवन जियेंगे, ऐसी अंतर में भावना रहेगी तो ये बड़े संत पुरुष राजी होगे। हमें तो हर रोज प्रार्थना करनी है, कुछ न करे तो इतना तो करो, भगवान हमेरा सुनते हैं, आप खाली इतनी भावना रखो, इतने सोचो तो भी आपका काम हो जाएगा। ऐसा काका जी बोलते थे, आप रात को प्रार्थना करो, मेरे को इसी समत्व भावना से जीवन जीना है, सूरत भाव से जीवन जीना है, साधुता से जीवन जीना है, ऐसा हर रोज भगवान के पास मांगो, और वो याद रखो कि मैंने भगवान के पास ये मांगा है। बाद में ऐसा मौका आएगा कि आप सूरत भाव रखो, साधुता रखो, समत्व भाव रखो, ऐसा प्रसंग तो आने वाला ही है, और जब भी वो भावना समझ में आएगी तो हमेरा सहज वो जीवन बन जाएगा। काका जी के साथ मेरे महेंद्र बापू थे, महेंद्र बापू ने वो प्रसंग बहुत मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ही दो चार लाइनें वो पढ़ता हूँ। आ प्रसंग पछी 12 जून 1968 ना काकाजीना प्रागट्य दिने तारदेव योजायेल सभा में काकाजी ने प्रार्थना करता हूँ भाव विभोर स्थिति में एटलू ज बोल्यो, मने एम छे के हूँ काकाजीनो आगवो ने काकाजी पण मारा ज आगवा रहे, पण आजे एवी प्रार्थना करूँ छू के काकाजी सर्वना छे अने सौने काकाजी उपर हेत छे, तो सौ काकाजी में वधु ने वधु खोवाई जाए, हूँ बीजा ने मारा जेवा भाव थी के थी विशेष भावे सेवा करता जो ने राजी थई सकूं एवा काकाजी आशीर्वाद आपे, हूँ काकाजी नु साचू छू एम बधा ज तैयार थशे तो मारा काकाजी नु वधु सारू सचवाशे, ने क्यांक हूँ नहीं होऊं पण बधाने तालीम मळी हशे तो वधु सरस सचवाशे, हे काकाजी मने बळ आपो के हूँ मारो हठाग्रह के दुराग्रह के मताग्रह, हमेरा हमेशा ये तीन के बीच में हम अटवाते, हठाग्रह दुराग्रह और मताग्रह छोड़ी सौने तमारा मां समाई जवानी तक आपी सकूं ने त्यारे तमे मारा अंतर मां प्रगट रहेजो, ऐसी प्रार्थना काकाजी को करी तो काकाजी की आंख में आंसू आ गया, ये सूरत भाव, ये सभी के सूरत, ऐसे सूरत बन के हम जीवन जिए, हमेरा हमेशा अठाग्रह मताग्रह दुराग्रह में हम अटके हुए हैं, उसमें से बाहर निकलेंगे तो वसीबाई ने बोला ऐसा जो एकत्व भावना हम एक है वो हो जाएगा, हमें कुछ करना नहीं है, हम कभी कभी तो हम देखते हैं हमें कुछ लेना नहीं है कुछ देना नहीं है तो भी हम आपस में अठाग्रह दुराग्रह मताग्रह में अटके हुए होते हैं, कुछ लेना देना नहीं होता है, और कुछ ऐसा हम कहने के भाई कोई मोटू दल्लो मळी जवानो होय के वो कहीं होय वो गुजराती में कहवाय एम के दल्लो मळी जवानो होय अने दे बांटवानो होय अने आपणे वधारे दल्लो लेवो एना जेवी वात छे, पण उसमें तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं,
तो भगवान को ऐसा प्रार्थना करे और प्रमाणिक पणे काका जी हमें ऐसा कहता था रात को प्रायश्चित रूप प्रार्थना करो, ऐसी प्रार्थना में हम डूबे और ये रोज नेक्स्ट 7 तारीख तक, नेक्स्ट 7 तारीख को हमेरा वो आएगा दिवाली न्यू ईयर और न्यू ईयर डे को है? और दिनकर भाई भी यहाँ हो गए, आज भी दिनकर भाई सुन रहे और ये दिनकर भाई के चरणों में वही प्रार्थना करते कि नेक्स्ट ये 30 दिन का समय है और 30 दिन रोज हम ये रात को मांगे काका जी के पास, हे काका जी हमें साधु बनाओ, हे काका जी हमें मेरे को ऐसा समत्व भाव दो, हे काका जी हम ऐसा सूरज भाव से जीवन जिए, भले वर्ता नहीं वर्तने अपने से वर्ताता है ऐसा हम बोल नहीं सकते कि हम वर्तेंगे, मगर हर रोज मांगो तो सही और एक बार मांगेंगे तो एक बार हो जाएगा, भगवान दे देंगे भाई ले तेरा धाबड़ा, तो ऐसा सहज में होए और ऐसा हम हर रोज प्रमाणिकपणे प्रार्थना करें। प्रमाणिकपणे प्रार्थना मीन दूसरे दिन याद रखो भाई मैंने ये मांगा है और ऐसे प्रसंग में बल लो प्रभु का कि मेरे को हे प्रभु इसी तरह से सूरत भाव से जीवन जीने का मेरे को बल दो, हे काका जी हे स्वामी जी हे पप्पा जी हे शास्त्री महाराज हे योगी जी महाराज हे जसभाई साहेब हे गुरु जी हे वसीभाई हे सर्व गुणातीत संतो हे बा बेन ज्योति बेन दीदी योगिनी बेन माधुरी बेन आनंदी दीदी सब बहनों संत बहनों सब के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, हे महाराज आप सबको ऐसा बल देना और सबका ऐसा उत्थान हुए हमेरा एलिवेशन ऊपर उठे, यही प्रार्थना। सहजान स्वामी महाराज की जय। 15 तारीख को 4 बजे यहाँ उद्घाटन है, जितने लोग आ सके उतने आना, सबको ऐसा कंपलसरी ऐसा नहीं बोल रहे हैं मगर जो भी आ सके वो सब आना और सब उसका लाभ लेना, यही प्रार्थना करते हैं। ये पॉलिटिकल फंक्शन है और MLA वो आने वाला है, मेरे निर्मल स्वामी जी भी पधारेंगे, इसलिए MP और निर्मल स्वामी जी दोनों का हाथ से ये उद्घाटन होने वाला है, हम बाद में उसको ऑनलाइन भी देंगे YouTube के ऊपर, मगर जो आजू बाजू वाले भक्त है वो सब आए और बहुत सारे लोग घर से भी देखते हैं तो ट्राई तो करते हैं ऑनलाइन सबको दर्शन हुए। जय स्वामीनारायण, बहुत बढ़िया काम हुआ है, भगवान ने बहुत अच्छा किया है और ये कार्य में सफलता प्राप्त ये फंक्शन सफल होए इसकी प्रार्थना करना सब। सहजान स्वामी महाराज की जय।